अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है आप लोगों के? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अकाउंटिंग का सेकंड ईयर का हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 26। ये क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। अब हम इस चैप्टर के अंदर थोड़े से मुश्किल क्वेश्चंस की तरफ आ रहे हैं ग्रेजुअली। मेरा प्लान ये है कि मैं आप लोगों को लेक्चर नंबर 26 और लेक्चर नंबर 27 इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही बनवाऊंगा। उसके बाद जो हमारा इसके बाद वाला लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 27 के बाद, उसके अंदर फिर हम लोग बैलेंस शीट की तरफ आएंगे कि इस चैप्टर के अंदर बैलेंस शीट किस तरीके से बनती है। ये क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं 2009 का, क्वेश्चन नंबर 7। इसके अंदर एक दो चीजों में आप लोग फंस सकते थे, इसी वजह से मैंने ये क्वेश्चन निकाला है। थोड़ी सी डिफरेंट चीज है इसके अंदर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट उसी तरीके से बनेगा। पास्ट पेपर अगर आप लोगों के पास मौजूद है तो आप लोग पहले इसकी रिक्वायरमेंट देखें। इसकी रिक्वायरमेंट नंबर 1 है, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31st 2008। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमें बनाना है, जो कि आप लोगों को पहले से मालूम है कि किस तरीके से बनता है। सेकंड रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर बैलेंस शीट एज ऑन दिसंबर 31st 2008। बैलेंस शीट बनानी है। मैंने आप लोगों को अभी बताया है कि मैं लेक्चर नंबर 26 और 27 इसके अंदर मेरा फोकस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही होगा, उसके बाद फिर हम बैलेंस शीट की तरफ आएंगे। तो मैं इस क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट आप लोगों को आज समझाऊंगा। बैलेंस शीट हम लोग लेक्चर नंबर 27 के बाद देखेंगे। इसकी क्वेश्चन दिया है, अ समरी ऑफ कैश रिसीप्ट एंड पेमेंट ऑफ अब्दुल हादी स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31st 2008 इज गिवन बिलो। नाम दिया है अब्दुल हादी स्पोर्ट्स क्लब, ये हेडिंग आ जाएगी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमें बनाना है। तमाम इनकम राइट साइड पे आएगी, क्रेडिट साइड पे, तमाम एक्सपेंसेस लेफ्ट साइड यानी कि डेबिट साइड पे आएंगे। इनकम के लिए मैं देखूंगा रिसिप्ट साइड को। पहले दिया हुआ है बैलेंस January 1st 2008, ये हमारा कैश का ओपनिंग बैलेंस है, इसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इग्नोर कर देंगे। फिर है कलेक्शन फ्रॉम मैचेस वगैरह इन्होंने ऑर्गेनाइज कराए, स्पोर्ट्स क्लब है क्योंकि इससे इनको कलेक्शन हुई, ये इनकी इनकम है, कलेक्शन फ्रॉम मैचेस। कलेक्शन फ्रॉम मैचेस का अमाउंट दिया हुआ है 12,37,500। इसके अंदर कोई एडजस्टमेंट मौजूद नहीं है, एज इट इज रिकॉर्ड हो जाएगा 12,37,500।
उसके बाद है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट। रिफ्रेशमेंट को बेचने में इनको प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट। ये अमाउंट हमें दिया हुआ है 236,250। उसके बाद इनकम साइड यानी कि रिसिप्ट साइड पे कोई मजीद इनकम मौजूद नहीं है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट ये हम लोगों ने लिख लिया 236,250। एक्सपेंसेस की तरफ आएंगे। अच्छा, इनकम जब भी आप लोग रिकॉर्ड कर रहे हो तो रिसिप्ट साइड देखने के बाद हमेशा एडिशनल इंफॉर्मेशन को जरूर देखा करें कि एडिशनल इंफॉर्मेशन में तो कोई ऐसी इनकम नहीं है जो रिसिप्ट साइड पे गिवन ना हो, जैसे इंटरेस्ट रेवेन्यू, रेंट रेवेन्यू, इस टाइप की कोई भी इनकम। अगर वो होगी तो वो एज इट इज रिकॉर्ड हो जाएगी। उसके बाद यहां पे दिया हुआ है पेमेंट साइड पे एक्सपेंसेस, परचेज ऑफ इक्विपमेंट 93,750, इसको इग्नोर कर देंगे, ये इन्होंने एसेट्स खरीदा था। स्टेडियम रेंट इधर लिखा होता है इनकम में कलेक्शन फ्रॉम मैचेस, इनको मैचेस से जो आमदनी हासिल हुई। स्टेडियम रेंट इन्होंने स्टेडियम किराए पे लिया होगा, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कराने के लिए, कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराने के लिए उसका रेंट इन्होंने पे करा, ये इनका एक्सपेंस है स्टेडियम रेंट। इसको रेंट एक्सपेंस भी लिख सकते हैं और स्टेडियम रेंट भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। स्टेडियम रेंट का अमाउंट दिया हुआ है 2,25,000। इसमें एडजस्टमेंट दी हुई है प्रीपेड रेंट, प्रीपेड पहले से दिया हुआ था, अभी एक्सपेंस नहीं हुआ। प्रीपेड का मतलब पहले से पे किया हुआ, अभी एक्सपेंस नहीं हुआ। इस प्रीपेड को हम स्टेडियम रेंट के अमाउंट में से क्या कर देंगे, माइनस। 2,25,000 हमारे स्टेडियम रेंट था, 45,000 प्रीपेड था, 45,000 को इसमें से माइनस करेंगे तो ये स्टेडियम रेंट रह जाएगा 1,80,000। स्टेडियम रेंट के बाद है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग और स्टेशनरी के ऊपर इनका खर्चा हुआ। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अमाउंट दिया हुआ 48,750। इसमें एडजस्टमेंट है लास्ट आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग चार्जेस, आउटस्टैंडिंग एक्रूड, ये चाहे एक्सपेंस के साथ आए चाहे इनकम के साथ आए ऐड होता है। इसका मतलब ये होता है कि और देने हैं, इसका मतलब अगर एक्सपेंस के साथ आएगा तो क्या मतलब हुआ, और पैसे देने। आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग चार्जेस, इनके ऊपर प्रिंटिंग चार्जेस मजीद ड्यू हैं, इनको अभी और देने हैं। एक्सपेंस हो चुका लेकिन पैसे अभी तक पे नहीं किए हैं, इसको ऐड कर लेंगे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का अमाउंट था 48,750, इसमें 24,750 को ऐड करेंगे तो यह अमाउंट हो जाएगा 73,500। फिर इसके बाद गिवन है एक्सपेंस सेक्रेटरी सैलरी, सैलरी एक्सपेंस भी लिखा जा सकता है इसको, सेक्रेटरी सैलरी। ये अमाउंट है 1,08,000। सेक्रेटरी एक्सपेंस लिखा हुआ है, इसको मैंने सेक्रेटरी सैलरी के नाम से रिकॉर्ड कर दिया, मे भी हो सकता है ये सैलरी हो, खैर एक्सपेंस लिखा हुआ था इसको सही कर लेते हैं, सेक्रेटरी एक्सपेंस। इसके बाद है इक्विपमेंट रिपेयर, रिपेयर एक्सपेंस है
इक्विपमेंट रिपेयर ये अमाउंट दिया हुआ था 34,500, कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, 34,500। ग्राउंड मैन्स वेजेस, ग्राउंड मैन वो बंदा होता है जो ग्राउंड को मेंटेन रखता है। जैसे हमारा कोई क्रिकेट वगैरह के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि जब बारिश होती है तो बहुत सारा स्टाफ जो है वो कवर्स लेकर आता है, पिच को कवर कर देता है, ग्राउंड को कवर कर देता है, ये ग्राउंड स्टाफ होता है। ग्राउंड मैन होता है जो ओवरऑल ग्राउंड की देखभाल रखता है, और एक होता है क्यूरेटर। क्यूरेटर कौन होता है? जो पिच बनाता है। क्यूरेटर कौन है? जो पिच बनाता है। तो ग्राउंड मैन और क्यूरेटर एक ही बंदे भी हो सकते हैं। तो ग्राउंड मैन जो है उसको इन्होंने वेजेस दी 3,90,000, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एज इट इज आ जाएगी। मिसलेनियस एक्सपेंस, फर्दर कोई इनके एक्सपेंसेस हुए होंगे, छोटे एक्सपेंसेस को भी कह सकते हैं, या कोई ऐसे एक्सपेंस जिनको अब इनको याद नहीं आ रहा कि ये पैसे कहां खर्च हुए, उसको किस नाम से रिकॉर्ड कर देंगे? मिसलेनियस एक्सपेंस। एडिशनल इंफॉर्मेशन में पहला पॉइंट, इन दो पॉइंट का अभी तक जिक्र यहां पे नहीं आया। ऑन जनवरी 1st 2008 इक्विपमेंट इन्वेंट्री इज वैल्यूड ₹3,75,000। इसका क्या मतलब है? जनवरी 1st 2008 को इनके पास इक्विपमेंट की इन्वेंट्री थी। इन्वेंट्री का मतलब होता है कोई चीज जो बच जाए, कोई रिमेनिंग चीज, कोई चीज जो आपके पास रह जाए उसको कहते हैं इन्वेंट्री। जनवरी 1st 2008 को इनके पास इन्वेंट्री थी इक्विपमेंट की, यानी कि इनके पास जनवरी 1st को इक्विपमेंट मौजूद थी जिसकी वैल्यू कितनी थी? 3,75,000। अच्छा, आप इसका क्या करेंगे? ये हमारा एक्सपेंस नहीं है, ये सिर्फ ये बता रहे हैं कि इक्विपमेंट जनवरी 1st को इतनी थी इनके पास, ये इनका एसेट्स है। ये काम कहां पे आएगी? अब जो टेक्निकल चीज है जिसकी वजह से स्पेशली मैं ये क्वेश्चन आप लोगों को समझा रहा हूं वो आ रही है। नंबर टू पॉइंट देखें, डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट इज चार्ज 20% पर एनम, मतलब पूरे साल का डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट का निकलेगा 20% पूरे साल का। अब जरा इधर देखें, मैंने लाइन ड्रॉ करी है, इक्विपमेंट इनके पास, ये मैं रफ में एक वर्किंग कर समझाने के लिए करवा रहा हूं, ये आप लोगों को करनी नहीं है। इक्विपमेंट जनवरी 1st को इनके पास थी 3,75,000। फर्ज करें आप लोगों का कोई स्पोर्ट्स क्लब है, आप लोगों के पास जनवरी 1st को कितनी इक्विपमेंट मौजूद थी? 375। अब जरा ऊपर रिसिप्ट और पेमेंट जो दी हुई है उसमें आप लोग देखें, पेमेंट साइड पे सबसे पहले लिखा हुआ था परचेज ऑफ इक्विपमेंट, इन्होंने इक्विपमेंट मजीद खरीदी, परचेज ऑफ इक्विपमेंट, इक्विपमेंट इन्होंने और खरीदी। कितने की इक्विपमेंट इन्होंने खरीदी? 93,750 की। 3,75,000 की इक्विपमेंट इनके पास ऑलरेडी मौजूद थी पहले से, इन्होंने 93,750 की इक्विपमेंट और खरीदी, तो इसको टोटल कर लेंगे, 3,75,000 की जनवरी 1st को इक्विपमेंट थी, 93,750 की इक्विपमेंट इन्होंने और खरीदी है, टोटल इक्विपमेंट हो गई 468,750। दिसंबर 31st को जो इनके पास इक्विपमेंट मौजूद थी वो कितनी थी? 468,750। डेप्रिसिएशन निकलता है साल के आखिर में, 2008 दिसंबर 31st को इनके पास जो टोटल इक्विपमेंट है वो है 468,750।
डेप्रिसिएशन का रेट है 20%, तो डेप्रिसिएशन इनका कैसे निकलेगा, 468750 × 20/100 मल्टीप्लाई बाय 20/100, ये डेप्रिसिएशन आ रहा है 93750. इसको लिखेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस. बहुत डिटेल में ये चीज मैंने आप लोगों को क्लियर कर दी है कि मैंने डेप्रिसिएशन कैसे निकाला है. अब इसके बाद दोनों साइड को सेपरेटली टोटल कर लेते हैं. क्रेडिट का मेरा जो टोटल है, पहले मैं उसको देखूंगा, 123750 + 236250. क्रेडिट का मेरा टोटल आ रहा है 147 3750. ये मेरा क्रेडिट का टोटल आ रहा है. डेबिट का टोटल मैं देख लेता हूं, इन सबको मैं प्लस कर लूंगा, 1,80,000 प्लस 73,500 प्लस 1,08,000 प्लस 34,500 प्लस 3,90,000 प्लस 49,500 प्लस 93750. डेबिट का टोटल आ रहा है 929250. डेबिट साइड कम है, क्रेडिट साइड ज्यादा है. डेबिट साइड कम है, क्रेडिट साइड ज्यादा है. क्रेडिट का टोटल मैं दोनों तरफ लिखूंगा, 147 3750. यही अमाउंट मैं यहां पे भी लिख दूंगा, 147 3750. अब मैं निकाल लूंगा अपना सरप्लस. क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड का टोटल माइनस करूंगा, माइनस 147 3750. 544 500 544 500. ये आ रहा है सरप्लस. इसका मतलब ये है इनको पूरे साल कितना सरप्लस हुआ है, 544 500. ये मैंने आप लोगों को इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन कैसे निकाला है वो आप लोगों को बताया. फर्ज करें जनवरी 1 को इक्विपमेंट होती लेकिन इन्होंने इक्विपमेंट परचेज नहीं की होती, तो जो भी इक्विपमेंट जनवरी 1 को होती उसी अमाउंट का हम 20% डेप्रिसिएशन निकालते. अगर जनवरी 1 को कोई इक्विपमेंट का इन्वेंट्री कोई इक्विपमेंट का बैलेंस मौजूद ना होता तो इक्विपमेंट जो भी इन्होंने परचेज करी उसका हम 20% डेप्रिसिएशन निकालते और यहां पे नोट डाउन कर लेते. इसको जरूर कॉपी कर लीजिएगा ग्रुप में ताकि आप लोगों को यह पता रहे कि मैंने डेप्रिसिएशन कैसे निकलवाया है. 20% मैंने इस अमाउंट का निकाला है जिसको मैंने यहां पे लिख दिया डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के नाम से. तो ये हमारा आज का क्वेश्चन था. लेक्चर नंबर 27 इंशाल्लाह आ रहा है, एक और नई कंडीशन जिसमें एक दो एडजस्टमेंट जो आप लोगों को प्रॉब्लम कर सकती हैं, ऐसा एक क्वेश्चन मैं लेकर आऊंगा. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाऊंगा, उसके बाद इंशाल्लाह हम इस चैप्टर में बैलेंस शीट को कवर करेंगे. अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़.